हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो हमने वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वीडियोस बहुत कम देखी, मेरे ख्याल ना होने के हमने बराबर जो है वीडियोस देखी हुई हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रीन है। जैसे साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रीन है ना, इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और बहुत बड़े बड़े शहर नहीं है वहाँ पे, लेकिन जितने भी शहर हैं सारे खूबसूरत है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय जो है वो प्रॉपर एक हिली स्टेट वैसे मैं अभी अगर अपनी बात करूं, मैं तो बहुत ही नालायक हूँ इन चीजों में, नॉर्थ ईस्ट है। इंडिया और साउथ इंडिया मतलब। लेकिन मैंने तो जो टोटल जितनी भी वीडियोस देखी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ग्रीन है। मुझे तो सारा ही बहुत ग्रीन लगता है। बिल्कुल अगर वैसे, जैसे मुंबई की भी बात करें, मुंबई भी हाँ बहुत ग्रीन है। दिल्ली में नो डाउट, अगर आप देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती हैं जैसे मुंबई में भी आती हैं, लेकिन जब उसका ड्रोन में मतलब शॉट शॉर्ट, लेते हैं तो हाँ वो भी बहुत ग्रीन नजर आता है। बट नो डाउट इस तरह की ग्रीनरी तो डेफिनेटली हम लोग को देखने के नहीं मिलती, लेकिन ये कुछ और ही लेवल है खूबसूरती का। सीरियसली नेचर के आप, मैं बोलूंगी कि क्या क्या रंग है दुनिया में आपको नहीं पता, और इतनी खूबसूरती कि आप खुद उसी चीज में खो जाते हैं। अब अगर बात करें ना, जैसे मुंबई की आप बात करती, मुंबई की अगर शहर की बात करें तो शहर में दरख्त हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे मुंबई की साइड पे हैं, क्योंकि मुंबई में अक्सर हमने टीवी में भी देखा है, वीडियोस हाँ में भी बिल्कुल देखा है कि पहाड़ भी हैं मुंबई बिल्कुल के पास, तो वो काफी ज्यादा ग्रीन है। लेकिन अगर उन्हें इन पहाड़ों के साथ कंपेयर किया जाए ना, नहीं तो डेफिनेटली ये वो ऐसे बहुत नहीं ज्यादा है। ग्रीन है। इधर तो मेरा ख्याल है सिर्फ दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे हैं, जैसे जमीन मौसम नजर की नहीं बात आ रही। करिए, हम पुणे की भी बात करें, पुणे के पास भी देखो कितनी ग्रीनरी है, हाँ, माउंटेन्स जो पुणे हैं। मुंबई हाईवे है हाँ जो वो हमने देखा देखो था, बहुत कितना खूबसूरत खूबसूरत था। है। तो बिल्कुल मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, अगर मैं जितनी भी वीडियोस की बात करूँ, इंडिया बहुत ग्रीन है। हाँ और नो डाउट अगर हम वाटरफॉल्स की बात करें, जैसे रूट ब्रिज था, मुझे बहुत खूबसूरत लगा रूट ब्रिज। मतलब ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि आप विजिट करो। और अभी हमारे सामने भी एक जो है पिक्चर है जो कि फॉरेस्ट की ही है, और वहां पे कितने झरने जो हैं चल रहे हैं। सीरियसली मैं कहती हूँ कि कभी वाकई में अगर आप रियल लाइफ में ये देखो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में जन्नत जन्नत में में हो। बिल्कुल ऐसे सही उन्होंने हाँ बिल्कुल कहा है, कि जिनकी वीडियो ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जगह जन्नत जन्नत से है, कम बिल्कुल नहीं है, जन्नत से कम सीरियसली। नहीं है। और अगर इस स्टेट की बात करें तो एक साइड पे इसके जो है बांग्लादेश है, एक साइड पे असम है, और ये स्टेट जो है अप्रोक्सीमेटली 70% जो है उसमें फॉरेस्ट इनके जंगल हैं वो वैसे वो नजर भी आ रहा है हाँ जितनी ज्यादा ग्रीनरी थी वहां पर, और जैसे फॉग और क्लाउड नीचे नीचे आए हुए हैं। और आप मतलब मेरे जैसे लगता है जब आप अगर रियल लाइफ में इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस लो ना, तो आपको लगेगा कि ना हम लोग कुछ ख्वाब देख रहे हैं। मुझे तो ऐसे एटलीस्ट लगेगा। और अगर हम मेघालय की जीडीपी की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू 2012 इसकी जीडीपी 2.3 बिलियन डॉलर थी। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ी चीज़ बताना चाहूँ कि ये स्टेट जो है ये मिनरल से रिच है, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर इसके नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो 1170 किलोमीटर का जो है इसका जो है हाईवे इनके रोड्स हैं। और मेघालय को बोला भी जाता है जैसे बादलों का ठिकाना, मतलब इतने सारे बादल और हम लोगों को वो वीडियो में नजर भी आए। बिल्कुल मैं बिल्कुल बोलूंगी कि मतलब मौसम, अगर कभी आपको चांस मिले ऐसे बादलों में जाने का, तो क्या लगेगा कि कहाँ पर आ गया हूँ मैं? वही तो लगेगा, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ। मैं मौसम ने बोला याद आ गया गाना, फिर आजा मैं हवाओं में उठाकर सही बात लीजिए है। तू ही तो। नो डाउट बहुत खूबसूरत सीन है, ऐसे सीन जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एक स्टेट है जिसका नाम ही यही रखा गया है कि बादलों का ठिकाना, तो वहां पे तो मेरा ख्याल हर टाइम फिर यही चीज होती अच्छा वैसे होगी। हम लोग यहाँ पर जिन नॉर्दर्न साइड पर गए हैं पाकिस्तान की, जैसे हम लोग नारायण का गान तक गए हैं, ठीक है, वहां पर मतलब वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर हम मैं मरी के माउंटेन्स की बात करूँ और नारायण का गान, तो दोनों दिखने में बहुत डिफरेंट है, खूबसूरती में बहुत डिफरेंस है। हाँ लेकिन एक चीज है कि अभी तक मैंने इस तरह की अभी खूबसूरती पाकिस्तान में इस तरह देखी। के फॉरेस्ट्री हमने देखे मैंने कि बहुत फॉरेस्ट ज्यादा हाँ जंगल हो, हाँ इनके घना जंगल हाँ हमने मैंने नहीं नहीं देखा देखा। अभी वैसे होगा, लाजमी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक हमारी नजर से हाँ बहुत मुझे जल है। अभी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्टली ये नहीं मुझे लगा। याद है अच्छी तरह, काफी देर पहले हम वैसे नारायण का गान गए हाँ थे, लेकिन वहां पे जो पहाड़ थे ना उसमें भी दरख्त इस तरह नहीं थे जैसे हमने यहाँ पे वो देखे हैं। एग्जैक्टली मैं यही बात सोच रही थी कि मतलब ग्रीनरी हम लोगों ने देखी है पाकिस्तान में। नॉर्दर्न साइड हम लोगों को घूमना बहुत हाँ पसंद है, इवन के मौसम मरी से भी हम लोग आगे गए
हैं, लेकिन इस तरह के जंगल नहीं हम लोगों ने देखे, और ये कुछ और ही अलग लेवल की खूबसूरती है सीरियसली, जिसको मेरे ख्याल में वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जो वहां पर जाएगा मुझे लगता है कि उसको भी ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ख्वाब देखकर वापस आया हूं। बहुत खूबसूरत है, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे वो तो वाकई जन्नत में रहते हैं। लेकिन मोस्टली ना समटाइम्स क्या था कि आप किसी ऐसे बंदे से जो पहाड़ों में रहता हो ना, उससे आप पूछे जाके बातचीत करें ना, वो आपसे पूछे कि क्या करने आए हो, और आपने कहा ना पहाड़ देखने, वो आगे से ऐसे रहते थे पहाड़ देखने आए हो इतनी दूर से। अच्छा जब हम लोग फर्स्ट टाइम नारायणकागान गए थे तो सीरियसली वो उस टाइम पर मुझे भी जो मैंने वहां पर पहाड़ और खूबसूरती वहां की देखी ना, और जो वहां पर एक वो दरिया है ना मौसम दरिया कुनहार, इतना ठंडा पानी है उसका कि आप उसमें पैर नहीं रख सकते, मतलब मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल नहीं रख सकता, बहुत ठंड लगती है। उसका उसके पीछे जो झील है लुलुसार झील, वहां पे जब जाते हैं ना वहां पे पानी सारा नीला, बहुत खूबसूरत लगता है। नहीं मुझे ये चीज बड़ी अच्छी, मतलब मैं बता रही हूँ खूबसूरती देखकर मैं वाकई में हम लोग ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोग कुछ ऐसे फिल्मी दुनिया में आ गए, इस तरह की खूबसूरती है। वैसे मुझे राफ्टिंग का बहुत शौक है, वो मैंने तब तो ट्राई नहीं की, लेकिन अब कभी अगर मैं गई तो डेफिनेटली आई विल ट्राई राफ्टिंग, मुझे बहुत शौक है। और मौसम को भी साथ में मैं धक्के से लेकर जाऊंगी, भाई चल नहीं, मैं चला तो जाऊंगा। हाँ। लेकिन पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, वो साथ में लोग होते लेकिन, हैं। लेकिन लेकिन स्कूबा डाइविंग में जरूर करना चाहूंगा, वो तो मैं भी करना चाहूंगी। मैं भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है लाइफ में, आई होप मैं कर सकूं। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपने एंजॉय की होगी, हम लोगों को काफी अच्छी लगी। हम डिफरेंट टूरिज्म की वीडियोस देख रहे हैं और काफी ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हम लोग देख रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, गुड बाय।